कौन सी गाड़ी लग रही है ये मर्सिडीज की जी वैगन है या फिर क्या है? वैसे मैं बता दूं, ये हमारी इंडियन जी वैगन टाइप स्टाइल एक मशीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है लुक्स में, और जो उसका बल्क है यानी ये साइज, जितनी बड़ी ये गाड़ी है, ये देखो ये गाड़ी क्या तो बड़ी गाड़ी है यार। इसके कंपटीशन में एक और कार है जो कि है थार, तो थार लगती है रेंगलर टाइप्स लगती है। और ये कैसी लगती है? ये लगती है जी वैगन टाइप्स लगती है गाइस ये गाड़ी। ये वाला हुड तक, ये जो लाइट्स हैं ये भी है ना, और ये पूरा का पूरा जी वैगन से लिया गया। हाँ, ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना, पूरा का पूरा पोर्शन जी वैगन से लिया गया। और इन्होंने मतलब फोर्स का और मर्सिडीज का जो टाइप है वो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। इनके जो आप ट्रैवलर के इंजन देखोगे उसके अंदर मर्सिडीज की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, ये भी बिल्कुल मर्सिडीज के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। तो यहाँ पे ये जो इसकी लाइट्स है ना, एक बार लाइट दिखा दो, ये एलईडी हेडलैम्प्स है ना? हाँ, ये एलईडी हेडलैम्प्स हैं इस सेगमेंट में, जो हमारा एसयूवी सेगमेंट बोलते हैं या आप ऑफ रोडिंग सेगमेंट बोल लो, तो उसमें अभी तक तो किसी गाड़ी में है नहीं, जो कि कंपनी देती हो, ये देती है। थार में आप एक्सटर्नली लगवाते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा मॉडिफाइड मार्केट, बुलेट वाली लगवा लेते हैं। हाँ राइट, वो बुलेट वाला लगवा लेते हैं या फिर रैंगलर की असली लाइट लगवा लेते हैं। हाँ, रैंगलर की असली लगवा लेते हैं, मतलब वो तो पैसे वाली बात है। जो जितना मर्जी खर्च कर लो। ये रात को इसका आउटपुट कैसा है? रात को इसका आउटपुट देखो, मेरे को मैं गाड़ी के अंदर ओडोमीटर में अगर हम दिखाएंगे 9000 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी की लाइट से, बहुत सही आउटपुट है। ये जो चीजें हैं ये क्या भाई? ये इंडिकेटर्स हैं, ये भी जी वैगन के अंदर सेम इंडिकेटर्स आते हैं। हाँ, सेम लिए गए हैं उससे, कुछ कुछ ऐसे सही है। तो ये इंडिकेटर्स और ये वाला स्टाइल जो है, ये छोटी जी वैगन है, और कितने प्राइस में मिलती है वो तो सबसे लास्ट का सीन है। सबसे पहले मुझे कुछ बैजिंग इसके अंदर दिख रही है, ये 4X4X4। अच्छा चलो, उससे पहले ये देख लेते हैं, ये FM 2.6 CR क्या है? FM 2.6 बेसिकली इसका इंजन की ब्रांडिंग है, ये कि इसके 2.6 कॉमन रेल इंजन है, जो कि वही मर्सिडीज की टेक्नोलॉजी से जो लिया गया है, बहुत पहले चलता आ रहा है। तो ये भी इंजन मर्सिडीज वाले? हाँ, उनकी टेक्नोलॉजी से, मतलब पेटेंटेड उनका ही है, उनकी टेक्नोलॉजी से लिया गया, टेक्नोलॉजी ले ली। हाँ, टेक्नोलॉजी ले। चलो, 4X4, 4x4 तो सुना था, ये 4X4X4 क्या है? 4x4 तो सबको पता है कि कहीं पर भी ले जाओ आप, तो जो आपके फोर व्हील्स हैं आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो फोर है वो आप कह सकते हैं एक एडिशनल मार्केटिंग है। सो बेसिकली यहीं पे दिखाया गया है कि आप फॉरेस्ट भी कर सकते हो कवर, माउंटेन्स भी कर सकते हो, और डेजर्ट भी कर सकते हो, और सी पे भी लेके जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 700 मीटर की जो वाटर वेडिंग है, तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है कि आप नदी में कूदा दो इसको या समुद्र में घुसा दो इसको। सीरियसली? हाँ सीरियसली, मैं आपको उस साइड दिखाता हूँ जो इसका स्नॉर्कल है। सो बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़ी एसयूवीज में देखते हो लोग आफ्टर मार्केट स्नॉर्कल लगवाते हैं, तो ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर 16-17 लाख रुपीज़ में आपको इंडिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जिसके अंदर कंपनी आपको स्नॉर्कल लगा के दे रही है। अच्छा, तो ये जो है स्नॉर्कल फिटेड है। क्या होता है, गाड़ी जब पानी में जाती है वो बंद इसलिए पड़ जाती है क्योंकि इंजन में पानी घुस जाता है। एयर इनटेक वाला जो सीन होता है, वो यहीं से होता है। एयर इनटेक इसका क्या किया कि हमारा क्या है, उस गाड़ी के अंदर सब देखो, नॉर्मल गाड़ी के अंदर देखोगे तो वो इंजन में से नीचे से लेता है एयर इनटेक सारा का सारा, वो खींचता है। तो इसके अंदर क्या है कि ऊपर से लेता है एयर इनटेक, तो यहाँ तक आप पानी को, यहाँ तक आप गाड़ी को डुबा सकते हो पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी डुबा दो वो फिर अंदर आ जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं मतलब अगर हमने यहाँ तक पानी डुबा दिया तो यहाँ से पानी अंदर आता नहीं आता? वो मैंने अभी तक भाई डुबा नहीं देखा, सीरियसली बताओ। मतलब यहाँ तक तो मैंने डुबाई हुई है गाड़ी, तब तो नहीं आया था, ऊपर तक नहीं डुबा पाया हूँ क्योंकि उतना मैं भी लेके नहीं गया। मतलब देखो, एक बार अगर रिस्क अगर लेना है तो यहाँ यहाँ तक ले सकते हो, है ना? यहाँ तक तो ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके ऊपर अगर आपने ले गए इसको पानी के अंदर तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। अच्छा, इसके डोर्स कैसे, टैंक जैसे डोर्स है ना? इसके डोर्स इसके बहुत ज्यादा हैवी है। सो क्या हुआ था कि अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक देख रहा था पोस्ट, किसी ने डाला था कम्युनिटी में, किसी का हाथ आ गया था अंदर, वो पूरा हाथ खून खून हो गया था, इतना हैवी डोर है इसका। ओहो, ऐसे देखो एक बार जरा मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ। ये तो टैंक जैसा लग रहा है, आवाज भी होते जाती है, बुलेट प्रूफ टाइप ये गाड़ी लग रही है। और डोर का जैसे पतले वाले डोर्स होते हैं इन गाड़ियों में, वैसे ही डोर्स हैं इसके, है ना? C8 के टायर इसमें मिलते हैं, 245/70 16 इंच के टायर्स हैं वैसे 16 इंच। तो ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी बहुत बड़ी है, उसके हिसाब से ये जो टायर है 16 इंच के ठीक ठाक से लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन और भी बड़े बड़े टायर बाहर निकल सकते हैं। हमने ऑटो एक्सपो में देखी थी। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब ये प्रोविजन है, कैच है, मैं वो बता देता हूँ। सो जब आपकी कंपनी, जैसे कंपनी में आप जाओगे गाड़ी लेने के लिए, जब आपको मिलने वाली होगी, एक दो दिन पहले आपको बुलाया जाएगा जैसे बिलिंग वगैरह के लिए, तो उसके अंदर ये जब आप गाड़ी देखोगे तो स्टील रिम्स लगे ही आते हैं, फैक्ट्री से स्टील रिम्स लगे आते हैं। आप वो स्टील रिम्स ले सकते हो साथ में, बस ये कि शोरूम वालों को अभी अलाउड नहीं है बिना अलॉयस के गाड़ी देना। तो आप स्टील रिम्स अपने ले सकते हो, मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे घर पे स्पेस नहीं है भाई रखने का, मेरे को बहुत जूते पड़ते हैं। पीछे जो सामान आ जाता है आ जाता है, बिल्कुल। पीछे नहीं रखना चाहें तो, पीछे अगर नहीं रखना चाहें तो आप ऊपर इसका रूफ रैक देख सकते हैं जो कि कंपनी फिटेड है। और अगर आप बाहर से लगवाते हैं जो कि बाकी कंपनी जैसे नहीं देती हैं, तो उसका चलान है। ये गाड़ी पूरी जैसे अभी एज इट इज है, जेन्युइन है, मतलब हाँ, ARAI अप्रूव्ड है, आपको कोई चलान नहीं कर सकता, दैट्स फॉर श्योर। मैनुअल सीट्स है ना इसमें? हाँ, पूरा मतलब अंदर आपको इतना सहूलियत नहीं मिलेगी। हाँ, अंदर जो है मैनुअल सीट्स हैं,
और क्लच प्रेस अगर मैं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इसको, डीजल इंजन है? नहीं, यस डीजल इंजन। लेकिन एक बात है, डीजल इंजन वैसा वाला नहीं है, डीजल इंजन खड़खड़ वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके क्लच देखेंगे, क्लच कितना सॉफ्ट है इसका, और आप इसकी ब्रेकिंग देखो, एक्सेलरेशन देखो, मतलब क्योंकि हाइड्रोलिक है सब कुछ, तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। क्लच बहुत स्मूथ है, और अरे ये क्विक RPM इंजन है भाई, ये वो वाला नहीं है ट्रक वाला, वो वाला नहीं है, फटाफट लेती है ये, हाई जा रही है लो जा रही है, हाई जा रही है लो जा रही है एकदम से ना, रेव फटाफट है, रेव में कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी के बाहर कितना साउंड है देखो, और अगर डोर क्लोज कर लिया जाए तो फिर इस साइड से भी कर लेते हैं। हाँ। अगर हम डोर क्लोज कर लेते हैं तो अंदर कैबिन में बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। ओके, गाड़ी स्टार्ट है, AC चल रहा है, अगर AC बंद कर लो तो गाड़ी का कोई खास शोर नहीं है कैबिन के अंदर, है ना। ये जो हमने AC ऑन कर रखा है इसका शोर आएगा हल्का हल्का सा। तो भाई यहाँ पे इतने सारे कंट्रोल्स हैं, ये किस किस चीज़ के कंट्रोल्स हैं, ये क्या है पहले? ये तो 4x4 का लीवर है। हाँ। ठीक है, अभी जो गाड़ी है वो है 2H में, विच मीन्स कि आपका रियर टायर जो है वो वर्क कर रहे हैं, उससे गाड़ी खींच रही है। ये 4H है, जिससे कि 4x4 में डालेंगे तो आगे वाली चलनी शुरू हो जाएंगी व्हील्स। जैसे अभी है जिसको आप आगे लेके जाएंगे ऐसे करेंगे और ये पीछे गई, 4 लो में चली गई। तो ये अभी न्यूट्रल में, ये गई 4H में, ये 2H में चली गई। अच्छा, अगर यहाँ से न्यूट्रल हो, हाँ, और न्यूट्रल पे गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि आपको कोई भी टायर मूव नहीं करेंगे, आप चाहे उसको गियर में डाल दो। अच्छा, ऐसा है ना, गाड़ी मूव नहीं। अच्छा, तो मतलब इसमें यहाँ पे भी न्यूट्रल है। हाँ। और यहाँ पे भी न्यूट्रल, दो न्यूट्रल है, दो न्यूट्रल है। तो अगर हमें इसको गियर में डालना है तो गियर में डालना है, जैसे अभी टू एच में है ना, तो आप नॉर्मल गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ा ऑफ रोड करना है तो ये आपकी गई 4H में। अच्छा ठीक है, ये आपकी आ गई न्यूट्रल में। हाँ। ये आपकी आ गई 4L में। ये है जी इसके डिफरेंशियल लॉकर्स। सो बेसिकली क्या होता है कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको डिफरेंशियल लॉकर्स किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेंगे। उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो अगर आपकी गाड़ी का एक टायर उड़ गया, अगर आप 4x4 में चला रहे हो, चारों टायर आपके स्पिन कर रहे हैं, अगर आपका फ्रंट वाला टायर उड़ गया तो क्या होता है कि गाड़ी का जो ट्रैक्शन जिसमें होता है ना, इंजन क्या करता है कि अगर एक टायर अगर आपका फ्री हो गया, हवा में हो गया, तो सारी पावर उधर भेज देता है। ये ऐसा काम करता है डिफरेंशियल। तो वाला टायर आपका स्पिन होना शुरू हो जाएगा और उस वाले टायर में वो पावर भेज नहीं रहा जहाँ पे ट्रैक्शन है, जहाँ पर गाड़ी को पावर की जरूरत है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, फ्रंट डिफरेंशियल लॉक मारोगे तो जो वो वाला टायर है जो स्पिन कर रहा था, पावर वहाँ से शिफ्ट होगी ट्रैक्शन वाले में, वो वाला टायर लॉक हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा और गाड़ी का पूरा पूरा पावर जाएगा वहाँ और गाड़ी आगे खींच जाएगी। अच्छा, गाड़ी यार मैंने अभी तक थ्रॉटल नहीं दिया है, लेकिन बहुत शांत। हाँ नहीं, थ्रॉटल देने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं बहुत शांत तरीके से उठ रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ गुरुगार गुरुगुर कुछ किया हो, है ना, कुछ भी नहीं ऐसा। आप थ्रॉटल नहीं भी दोगे हो तब भी उठ जाएगी। ओके। आप सेकंड गियर में डालो और थ्रॉटल छोड़ दो। उठ जाएगी तब भी, है तब भी चलती रहेगी। अच्छा, क्योंकि इतना टॉर्क है ना, 250 टॉर्क बहुत होता है, बहुत होता है इतनी बड़ी गाड़ी में। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम फर्स्ट माले पे बैठे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर पावर का जो मजा है ना वो अलग ही है। उसकी हाइट की मैं बताता हूँ आपको एक स्टोरी। मतलब मैं स्कॉर्पियो के बगल से निकलता हूँ, फॉर्च्यूनर के बगल से निकलता हूँ, मैं उनसे भी ऊपर बैठा हुआ होता हूँ। कितने की आ जाती है गाड़ी है? ये गाड़ी है जी 16.7 की पड़ती है ऑन रोड, मतलब 16.74 की पड़ी थी मुझे। अच्छा। तो उसके अंदर ये है कि वो RTO की फीस का भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हाँ। मतलब मेरी गाड़ी हरियाणा रजिस्टर्ड है तो थोड़ा सा दिल्ली से सस्ता RTO है, और बाकी एक्सेसरीज वगैरह सब मिला के है जो जैसी ये गाड़ी अभी आप देख पा रहे हो वैसी। मतलब अगर 17 लाख रुपए मान लिए जाए। हाँ। इसके कि हमें कुछ अगर लगाना है या फिर नहीं। हाँ। तो कुछ इस टाइप की ये गाड़ी पड़ेगी। अब देखो ये है इसकी बाहर का जो लुक आता है ना, गाड़ी में बैठ के बंदा ऐसे चला रहा है, क्या तो शानदार लुक आएगा इसका। 9000 किलोमीटर चला ली गाड़ी। हाँ। है ना, करीबन 8700 odometer। लुक्स में और इसके अंदर जो जान है, जो टॉर्क है, जो पावर है, वो तो खैर आउटस्टैंडिंग है। तो जी किसी भी गाड़ी के अंदर खूबियाँ अगर होती है ना तो थोड़ी से कमियाँ भी होती हैं। अब इसके अंदर हम कमियाँ गिनाते हैं। गाड़ी बहुत मैसिव है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ये जो प्राइस ब्रैकेट है ना, ये 16.5 लाख रुपये वाला, इसके अंदर बंदे थार भी लेंगे, ठीक है, सेम ब्रैकेट है दोनों का। हाँ, सेम ही है ब्रैकेट, लेकिन इसका फील थोड़ा सा जी वैगन टाइप से हो जाएगा। हाँ, और उसका रेंगलर टाइप से जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से यार दोनों गाड़ियों की फील अलग है, मेरे हिसाब से दोनों का सेगमेंट ही अलग है। वो तुम्हारी है थोड़ा शो ऑफ टाइप्स की, ये है एक्चुअल में तोड़फोड़ टाइप्स की, मेरे को तो ऐसा लगता है। गुरखा है ना, नाम भी तो गुरखा है भाई, नाम भी तो गुरखा वाला है। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या भाई? गाड़ी का ना नीचे से लेवल सेम नहीं है कहीं से भी। प्लस जो इसके आप नीचे देखोगे, जो इसके कंट्रोल आर्म्स भी बोलते हैं लोग और टायर आर्म्स भी बोलते हैं, तो वो इसके बहुत नीचे हैं।
जो कि हो सकता है कि रास्ते में कोई रोड के बीच में कोई पत्थर आ जाए तो उससे आप टकरा जाओ, अगर आपका ध्यान ना जाए तो। मेरा ध्यान जाता है, मैं तो टायर सीधे उसके पत्थर के ऊपर चढ़ा देता हूँ। लेकिन तो, अगर किसी का नहीं जाएगा तो, किसी का नहीं जाएगा तो शायद वो टकरा सकता है, टकरा जाए, बिल्कुल टकरा सकता। लेकिन ये कंपनी अगर का, इतना बड़ा पत्थर होगा तो 100% टकराएगा। लेकिन कंपनी ने कुछ ना कुछ सोच के तो बनाया होगा ना, वो इसलिए लगाया है कि अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठ के अगर हाईवे पे जाते हो ना, ये गाड़ी ऐसी है, लंबी बहुत है, अगर आप नॉर्मल गाड़ियों से कंपैरिजन में देखो, जैसे मैं बता रहा था सफारी और फॉर्च्यूनर से भी लंबी है ये गाड़ी। हाँ हाँ। तब भी इसके अंदर जो जैसे वो अनरेस्ट होता है ना बॉडी में, बॉडी रोल जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो इसी वजह से कि जो इसके आर्म्स है वो नीचे हैं, इसी वजह से कि हाईवे से रोड से चिपक के चलती है बिल्कुल। इस एक ड्रॉबैक के अलावा और कोई ड्रॉबैक? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता कुछ है, सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया। और ये एक ऐसा ड्रॉबैक है जो कि सॉल्व भी नहीं हो सकता, जो कि सॉल्व भी नहीं हो सकता। आप टायर थोड़े बड़े लगा सकते हो जिससे आपको 1 या 2 इंच का मिल सकता है, या सस्पेंशन चेंज कर लो, विच आई विल नॉट रिकमेंड। और इन फ्यूचर आई थिंक कंपनी काम भी कर रही है। ये बूट्स ऑन रूट्स क्या है यहाँ पे? ये बूट्स ऑन रूट्स ये कहानी है कि आप जाके यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, और जितनी मेरे ट्रैवल वीडियोस हैं आप वो भी चेकआउट कर सकते हो जो मेरे रीसेंट ट्रिप्स हैं। ये घूमते बहुत हैं तो वहाँ पे वीडियोस बना के डाल देते हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, है ना? हाँ, सेम नेम है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, सब कुछ है। कंटेंट अच्छा हो तो लाइक भी कर सकते हो। हाँ। और ये गाड़ी अगर कोई लेना चाहता है या फिर सोच रहा है बुर्खा की तरफ, हाँ जी, तो 16.5 लाख रुपए डालने ठीक है उसके लिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है अगर आपका इस तरह का लेवल है। देखो यार, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं शौकिया लोग, एक होते हैं जिनको एक्चुअल में उसका पर्पस है, उसका यूज़ है। तो अगर आपको इसका यूज़ है, आप लोग उतना ट्रैवल करते हो फ्रीक्वेंटली, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स में जाते हो, ये गाड़ी जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है अभी तक के लिए मेरे हिसाब से। देखो, हमने बहुत ऑनर्स से मिल चुके हैं, लेकिन ये एक ऑनर ऐसे हैं, एक तो इनकी एज काफ़ी छोटी है और ये डेटा साइंटिस्ट हैं, ठीक है? तो एज काफ़ी छोटी है, डेटा साइंटिस्ट हैं और ऑफ रोडिंग का शौक है। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जाते हैं वो महिंद्रा के पास, इसुजू में भी जाते हैं लोग। हाँ, हाँ, जिनके पास पैसा है यार वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये गुरखा लेना थोड़ा सा यूनिक है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक का जो मैंने डेटाबेस देखा है, हाँ, मैं सबसे यंगेस्ट ओनर हूँ, क्योंकि ये डेटा साइंटिस्ट नहीं है तो इन्होंने डेटाबेस देख लिया, ठीक है? तो आप लोग समझ सकते हैं। इसको लेने के बाद एक सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी लेते हो तो उसके एग्जैक्ट 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा चेक करना है इसका कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कुछ तो नहीं, क्योंकि यार नया प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली कंपनी ने बहुत R&D किया है, लेकिन क्या होता है कभी भी नया प्रोडक्ट आता है ना कोई मार्केट में, तो उसके अंदर धीरे धीरे ही इम्प्रोवाइज होती हैं चीज़ें। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसका, मतलब जैसे आपका प्यार होता है ना, आप प्यार में जैसे कोई कमियां नहीं निकालते और उसका ध्यान रखते हो ना, वैसे आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा रोना नहीं है। चलो दोस्तों, अगले एक वीडियो के साथ में बहुत जल्दी मिलते हैं, अगली एक बहुत ही अमेजिंग सी कार या बाइक या स्कूटर के साथ में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।